कानपुर से आ रही है इस समय की बड़ी खबर। कानपुर से यह वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जहां डॉक्टरों की इतनी बड़ी लापरवाही देखने को मिली। जहां एक तरफ सारा देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रही है, वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर इतने लापरवाह कैसे बने हुए हैं। क्षितिज वाजपेयी की रिपोर्ट। दिखाएंगे तो शायद आपको शर्म आ जाए। देखिए ये क्या स्थिति है यहाँ पर, हम आपको एक बार फिर से दिखाते हैं वहां की फुटेज। ये देखिए, ये किस तरह मारा जा रहा है डॉक्टरों द्वारा, पेशेंटों की हत्या की जा रही है। हम आपको ऊपर की तस्वीरें दिखाते हैं। यह अस्पताल बड़ा है, यहाँ डॉक्टरों के नंबर दिए गए हैं, प्रशासन के नंबर दिए गए हैं, लेकिन उस पर अगर कॉल किया जाए तो कोई कॉल रिसीव नहीं होती, मोबाइल नंबर उनका स्विच ऑफ जा रहा है। ये स्थिति है अस्पतालों की। ये देखिए यहाँ पर ये ऐसे बम है। हम माफ करें हमें, हम थोड़ा अश्लील दिखाएंगे आपको, क्योंकि ये देश के लिए जरूरी है, इसलिए हम आज अभद्रता करने के लिए मजबूर हो गए हैं। देखिए ये कोविड के पेशेंट हैं, ये इनकी स्थिति देखिए, कोई देखने वाला, ये गंदगी देखिए। ये देखो ये महिला पानी पिला रही है, कोई साथ देने वाला नहीं है। अगर आज आप चुप बैठे तो यकीन मानो एक दिन आपकी भी स्थिति ऐसी होगी। शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, इस वीडियो को शेयर करो। कमरा दिखाओ, इसलिए इनके कमरे में कोई पेशेंट नहीं जा रहा। देखिए इनकी स्थिति क्या है, ये देखिए यहाँ पर एक बच्चा पड़ा हुआ, उसका कोई देखने वाला तक नहीं है, ये आप देख पा रहे हैं। ये अतिमारदार ही देखें, डॉक्टर नहीं देखेंगे। ये देखो ये कमरा नंबर इनका 126, हम माफ कीजिएगा उधर जा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर काफी गंदगी है और कोविड का अटर है। ये देखिए यहाँ की स्थिति है, आप देखिए। ये मुद्दा राष्ट्र का है, ये मुद्दा आपका है, आपको इस मुद्दे को ज्यादा से ज्यादा उठाना होगा। हमारा सहयोग करें आप, इस मुद्दे को उठाना होगा, क्योंकि जो दर्द हम सह रहे हैं, ईश्वर न करे वो दर्द आप सहिए। देखिए पीने का पानी नहीं है, ये देखा पानी नहीं है इसमें, ये स्थिति आपको गंदगी दिखाते हैं यहाँ की। ये देखिए ये पड़ा हुआ, कोई ध्यान देने वाला नहीं है, ये स्थिति है। ये देखिए आइए हम पेशेंट के कमरे को दिखाते हैं, ओपन कीजिए थोड़ा सा। ये देखिए ये पेशेंट कमरा, आप थोड़ा साइड दी। ये देखिए ये पेशेंट का कमरा है, ये दादा लोग देखिए खड़े हैं, ये यहाँ की स्थिति है। कोई साथ नहीं, अभी तक हमको आए यहाँ पर आधे घंटे से ज्यादा हो रहा है, अभी तक कोई हमसे मिलने तक नहीं। मैटर का मतलब ये है कि किसी को पता ही नहीं कि हम यहाँ आ गए हैं, किसी को पता ही नहीं कि उनके खिलाफ वीडियो बनाया जा रहा है। ये देखिए यहाँ की ये स्थिति, ये गंदगी आप देखिए, ये देखिए प्रधानमंत्री जी द्वारा ढिंढोरा पीटा जाता है, प्रशासन द्वारा ढिंढोरा पीटा जाता है कि हम कोविड पर बहुत अच्छे से पकड़ बनाए हुए हैं। ये महादेव की कृपा है कि राष्ट्र अब भी कहीं ना कहीं सुरक्षित है, लेकिन ऐसी स्थिति देखने के बाद हमें तो ये नहीं लगता कि राष्ट्र सुरक्षित होने वाला है। एक मिनट आप देखिए अंकल जी से बात कीजिए, अंकल जी कुछ बता रहे हैं जी, बताइए। डॉक्टर मनोज शुक्ला साहब कभी नहीं आते हैं कोई केयर करने के लिए। देखिए ये हम नहीं कह रहे हैं, पब्लिक कह रही है, और ना ही पब्लिक हमारे किसी नेता, ना ही हम कोई नेता है कि कोई हमारे पैसे से खरीदी हुई पब्लिक है। बोलिए आप, आज नहीं बोलोगे तो कभी नहीं बोलोगे। यहाँ पे कोई नहीं आता दवा देने के लिए, देखिए चेक भी करने के लिए कोई नहीं आता। आपको एक एक पेशेंट मिलाते हैं, आप बताइए। सर यहाँ पीने का पानी तक नहीं है, एकदम बहुत ज्यादा दिक्कत है, एकदम गंदगी। तो आज अभी पीने का पानी तक मुहैया नहीं कराया गया है। अरे जी बताइए अंकल जी सुनिए। अरे मैं कैंसर पेशेंट को कोरोना में डाल दिया। देखिए कैंसर पेशेंट को कोरोना में डाला गया है, मरना ना हो तो मार डालें। हमारे बहन का एक्सीडेंट हुआ और यहाँ कोरोना में डाल दिया, हमने कहा डॉक्टर साहब सीटी स्कैन कराओ तो ताकि सर की चोट पता चले, क्या यहाँ सीटी स्कैन कुछ नहीं है और कोरोना की दवा दे रहे हैं। आठ दिन हो गए यहीं हम लोग। देखिए प्रशासन का कैसा राष्ट्र प्रेम है, देखिए राष्ट्र का कैसा राष्ट्र प्रेम है। अगर आज इस तरह का राष्ट्र प्रेम के नाम पर इस तरह देश की जनता को मारा जाएगा तो निश्चित तौर पर जान लीजिए एक ना एक दिन हमारी और आपकी भी मौत निश्चित है। मौत होना अलग बात है, कुत्ते की तरह मौत होना अलग बात है। जिस तरह यहाँ पर घिसड़ घिसड़ कर पेशेंट मर रहे हैं, कोई ध्यान देने वाला प्रशासन में नहीं है। यहाँ तक कि कोविड-19 में जो पीपी किट मुहैया कराई जा रही है वो भी प्रशासन द्वारा नहीं दिया जा रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप इसको ज्यादा से ज्यादा